आज हम बनाएंगे आलू दम। तो हमने आलू उबाल कर रख लिया है। अब थोड़ी देर में आलू ठंडा हो जाएगा, तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तेजपत्ता, दो लाल मिर्च। ये फोरन जल चुका है, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे एक पीसा हुआ टमाटर, टमाटर का पेस्ट हम पेस्ट डालेंगे। इसको हम अच्छा से भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे मसाला, तो ये डालेंगे पहले हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छा से मिक्स करके भून लेंगे और डालेंगे नमक। नमक अपना स्वाद अनुसार हम डालेंगे। मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें तेल छोड़ दिया है मसाला। अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू को भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर आलू को भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ग्रेवी हम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे। इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, ये सब्जी बनकर रेडी हो गया है। अब इसे पूरी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग भी ऐसा ही सब्जी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।